हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिमन रेकॉर्ड। और आज हम बनाएंगे कुछ गत्तों से, और हम गत्तों से बनाने वाले हैं छोटी सी अलमीरा। आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ, ये 12 इंच का है और इधर से ये 8, देख सकते हैं ये चारों ही 21 के हैं। और एक सबसे बड़ा मैंने लिया है, ये 12.5 का है, देख सकते हैं आप। और इधर से ये 7 है, एक पीस है ये आपका 10 का, और इधर से 7, ये है आपका इधर से 8, और इस साइड से है आपका ये 7। तो इसे हमें कवर करना है। कवर करने के लिए मैंने ये वाले A3 साइज पेपर लिए हैं। अगर आपके पास इससे बड़े या प्रिंटेड पेपर्स हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले इन बॉक्स के जो हमने ये काटे हैं गत्ते, इसको हम पहले पेस्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा हमारे थिक हो जाए। पेस्ट करने के लिए मैंने फेविकॉल का इस्तेमाल किया है। कुछ इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। अब पेस्ट करके हम इसको कवर करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा साइड में ये छूट रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही पेस्ट कर लूँगी। इस साइड भी मैं छोड़ दूँगी और इस साइड भी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो मैं ये सेंटर में पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट करने के लिए हम फेविकॉल लगाएंगे, ऐसे ही हम इस साइड पेस्ट कर लेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है हम इसको भी कवर कर देंगे। तो जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हम बाहर की साइड रखेंगे, इसलिए हम इस पे टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने ये टेप लिया है, ये मेरे पास कलरफुल टेप्स हैं, तो मैंने ये इसमें ग्रीन ही शेड लिया है। तो मैं ये इस टाइप से इस पे लगा दूंगी। देखिए एक पार्ट मेरा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अंदर वाले को मैंने इतना वो नहीं किया है, सिर्फ मैंने बाहर से ये कवर किया है। तो आप देख सकते हैं इसको, और इसको अब हम इसी टाइप से हम ये सभी भी कवर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इसको कवर कर लिया है सभी को, और मैंने सभी पे एक चारों तरफ टेप भी लगा लिया है। और अब हम इसको एडजस्ट करते हैं, इसको प्रेस करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ये छोटा साइज लेना है, और ये हमें कुछ इस तरह से इस पर लगाना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें इसको प्लस करना है। देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे प्लस करना है। तो ये थोड़ा सा मैं आगे को छोड़ के रखूँगी। तो मैं प्लस करने के लिए मैं यहाँ पर ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ग्लू गन नहीं है, ये हमें अंदर की तरफ पेस्ट करना है, ग्लू गन नहीं है आपके पास, तो आप फेवी बॉन्ड या फेविकॉल से भी पेस्ट। देखिए हमने इसको कवर कर लिया है, और ये कुछ इस तरह से बनके रेडी हो जाएगा आपका। और तो अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें रैक बनानी है। तो पहले हम इसमें 2 गत्ते काट के इसको एडजस्ट करेंगे, और इसके लिए 3 रैक बनाएंगे। चलिए इसको तैयार करते हैं। देखिए हमने ये इस टाइप से अब रेडी कर ली है। मैं आपको ये बता देती हूँ ये मैंने कैसे रेडी करी है। तो हम ये इसमें से ये रैक निकाल लेते हैं, और अब आप देख सकते हैं मैंने ये 2 इसमें गत्तों को इसमें फिट कर दिया है। फिट करने के बाद मैंने ये रैक बनाई है, और रैक मैंने कुछ इस तरह से इसमें एडजस्ट कर दी है। मैंने इसमें एक रैक नहीं बनाई है, मैं आपको वो रैक बना के और उसमें आपको लगाकर दिखाती हूँ। ये मेरा एक ऑर्गेनाइजर तरह से बन गया है।
मैं इसमें कुछ भी चीज़ ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, कुछ भी इसमें मैं फिट करके इसमें मैं रख सकती हूँ। चलिए मैं इसकी तीसरी रैक को बनाना आपको सिखा देती हूँ। मैंने इसमें पहले इसका मेज़रमेंट किया, मैंने इसकी लेंथ को पहले मेज़र कर लिया, ये मेरी 12 बैठी थी तो मैंने इसको 3 में कर दिया, तो 4-4 की मैंने इसको 4-4 उसमें मैंने इसको डिवाइड कर दिया है 4 इंच में, और इस टाइप से मैंने इसको भी मेज़र कर दिया था, ये 7.5 बैठी थी। उसी हिसाब से मैंने इसके रैक के गत्तों को कट किया है, देखिए मैंने ये कट करके रखे हुए हैं, इसलिए आप देख सकते हैं ये 7 है और ये यहाँ पर 8, और इस टाइप से मेरे को इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए मैं ग्लूगन का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए हमने ये रैक इस टाइप से अरेंज कर लिए है, अब हम इसको कवर करते हैं। तो मैंने ये वाली शीट का इस्तेमाल किया है, ये मार्केट में प्रिंटेड शीट के नाम से आपको ईजिली मिल जाएगी। तो हम इसको पहले कवर करते हैं, और सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं नीचे के बेस को कवर कर रही हूँ। नीचे के बेस को कवर करने के लिए मैंने ये पेपर लिया है, ये A3 साइज पेपर है, तो मैंने उसको कट किया है। तो फेविकॉल से हम इजली इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो साइड में कवर करने के लिए मैंने इतना बड़ा पेपर, देख सकते हैं ये हमारा कुछ पहले ये पेपर, सिंपल पेपर मैंने कट करे हैं, और इसको अंदर से कवर कर देंगे। देखिए मेरी रैक बनके ये रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं, और मैं आपको इसमें ये रैक को फिट करके दिखाती हूँ। और अभी हमें यहाँ पर एक मैंने एक ये नग चिपकाया है इसको इस तरह से रैक को खींचने के लिए, उसको अच्छे से पुल करने के लिए, क्योंकि इससे ही हम थोड़ा सा उसको ऊंचा रखेंगे। देख सकते हैं आप, और मैं इस अपनी रैक को इस रैक में फिट कर देती हूँ। फिर कॉक वाले स्टिकर से, ये वैसे वॉल डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं। देखिए ये मैंने अपनी ऑर्गेनाइजर बना ली है, और आप देख सकते हैं ये स्टेप से रैक है, मैंने इसमें कुछ सामान रखा हुआ है, और इसमें भी मैंने ऐसे ही सामान रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और तीसरे वाले में भी मैंने कुछ सामान रखा हुआ है, तो हम ऐसे ही इसमें कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, चाहे तो आप अपना मेकअप सामान रख लीजिए, चाहे आपके जो भी यूज़ का सामान है आप इसमें रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही बनी है, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।